हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं साबिक सेम प्रोसीजर। अगर जब आप सऊदी में आते हैं तो आपको सेम प्रोसीजर एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि साबिक में अगर जो कोई भी सेफ्टी ऑफिसर काम करता है तो साबिक का जो भी प्रोसीजर है वो सेम से लिया जाता है। साबिक का खुद का एक प्रोसीजर है, जो जितने भी प्रिकॉशन होते हैं, जितने भी हम कंट्रोल मेजर लेते हैं, जितना भी इंस्पेक्शन वगैरह होता है, जितना डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सब सेम प्रोसीजर से लिया जाता है। सेम एक नंबरिंग है, उसके अंदर में वो प्रोसीजर दिया हुआ है, उसी को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी कंट्रोल मेजर में, जितना भी सेफ्टी का कंट्रोल मेजर आता है, किसी भी जॉब का हम प्रिकॉशन लेते हैं, तो वो सब सेम में होता है। तो अगर ये सऊदी में आते हैं तो यहाँ पे जितना भी प्लांट है, तो सबसे ज़्यादा प्लांट क्या है, साबिक का ही है। अगर ये सऊदी में आप आते हैं तो साबिक में काम करना एकदम, आपको काम कभी ना कभी मिल ही जाएगा अगर ये सऊदी आते हैं तो। इसके लिए सेम प्रोसीजर जितना सेफ्टी ऑफिसर है सबको पता होना चाहिए। तो आज हम सेम प्रोसीजर के नंबर के बारे में जानेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में सेम का सिर्फ डॉक्यूमेंट नंबर पूछता है कि ये सेम नंबर इस डॉक्यूमेंट का क्या नंबर है। तो आज उस नंबर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेम 00। सेम 00 क्या है? लीडरशिप एंड मैनेजमेंट सिस्टम। लीडरशिप मैनेजमेंट सिस्टम जितना भी होता है वो डॉक्यूमेंट सेम 00 नंबर है, ठीक है। सेम 01 नंबर में हम देख रहे हैं HSC डॉक्यूमेंटेशन एंड कंट्रोल। HSC डॉक्यूमेंटेशन, सेफ्टी का जितना भी डॉक्यूमेंट हम फॉलो करते हैं, इंस्पेक्शन के लिए हो या कोई भी कंट्रोल मेजर के लिए हो या परमिट वगैरह, जितना भी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, वो सब क्या है ना, सेम 001 को हम फॉलो करके वो कंट्रोल मेजर एंड HSC हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो सेम 001 से हम लेते हैं। सेम 002 यहाँ पे देख रहे हैं रिस्क असेसमेंट एंड SAFR। रिस्क असेसमेंट का जो भी है वो सेम 02 से हम फॉलो करते हैं। यहाँ हम सेम 03 देख रहे हैं ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर। ऑपरेटिंग, एवरी प्लांट में ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर एक अलग से होता है मेंटेनेंस में जॉब करने वाले के लिए। तो यहाँ पर सेम 03 डॉक्यूमेंट जो है वो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर के बारे में बताता है। यहाँ हम देख रहे हैं सेम 004। सेम 04 क्या है? ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस। ट्रेनिंग जो भी हम एम्प्लॉय को देते हैं, कॉम्पिटेंसी जो हम चेक करते हैं, तो वो सेम 04 डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर से हम ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी का हम पता करते हैं कि किस तरह का कौन सा ट्रेनिंग देना है, कॉम्पिटेंसी कैसे चेक करना है, क्या उसका प्रोसीजर है, वो सेम 04 डॉक्यूमेंट है, वहाँ से आपको पता चलेगा। सेम 05, सेम 05 थर्ड पार्टी HSSE रिक्वायरमेंट। थर्ड पार्टी रिक्वायरमेंट सेफ्टी में बहुत सारा होता है। किस इक्विपमेंट का थर्ड पार्टी आपको इंस्पेक्शन चाहिए, थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहिए, या किस ट्रेड के लिए थर्ड पार्टी कार्ड चाहिए, जैसे फायर वॉच स्टैंड बाई मैन होता है, उसका थर्ड पार्टी कार्ड का जरूरत होता है। लिफ्टिंग इक्विपमेंट होता है तो उसका थर्ड पार्टी का ज़रूरत होता है। तो उसमें सेम 05 में क्या करेगा, पूरा आपको पता चलेगा कि किस चीज़ का क्या रिक्वायरमेंट है थर्ड पार्टी की तरफ से, वो सेम 05 में आपको पता चलेगा। सेम 06, सेम 06 क्या है? प्री स्टार्टअप HSC रिव्यू। प्री स्टार्टअप, स्टार्टअप करने से पहले उसका HSC रिव्यू, पूरा इंस्पेक्शन करना, पूरा चेक करना, जो भी होता है क्या क्या देखना होता है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो सेम 06 डॉक्यूमेंट से आपको, साबिक का सेम 06 प्रोसीजर वाला डॉक्यूमेंट है, वहाँ से आपको इसका पूरा प्रोसीजर पता चलेगा। सेम 07 मशीन इंटीग्रिटी। मशीन इंटीग्रिटी के लिए सेम 07 का फॉलो करते हैं। सेम 08, सेम 08 में क्या होता है, सेफ वर्क प्रैक्टिस। जितना भी जॉब होता है, जो जॉब के रिगार्डिंग सेफ वर्क प्रैक्टिस जो होता है, काम को सही तरीके से करने के लिए जो प्रैक्टिस आपको पता चलता है, कंट्रोल मेजर पता चलता है, कोई भी काम क्या क्या सेफ प्रैक्टिस है, तो वो पूरा प्रोसीजर आपको सेम 08। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए, क्योंकि सेफ वर्क प्रैक्टिस, जितना भी काम का सेफ वर्क प्रैक्टिस है, सही तरीके से काम करने का जो तरीका आपको पता चलेगा साबिक में, वो सेम 08 से ही पता चलेगा। सेम 09 यहाँ हम देख रहे हैं। सेम 09 में क्या है? मैनेजमेंट ऑफ चेंज, MOC। मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या होता है ना,
कोई भी हम काम करते हैं तो जितने भी काम का अपना मिला होता है, जो काम प्रोसीजर के हिसाब से चलता रहता है, उसमें कोई भी चेंजिंग होता है, उस प्रोसीजर में कोई भी चेंजिंग होता है, या जो हम जॉब करते रहते हैं उस जॉब में कोई भी चेंजिंग आता है, वो लाइन पहले से जहाँ तक होता है उसको एक्सटेंड करना होता है या छोटा करना होता है, कट करना होता है, एक्स्ट्रा जॉब जो उसमें चेंजिंग आता है उसको मैनेजमेंट ऑफ चेंज कहते हैं, तो वो सेम 09 के प्रोसीजर से आपको उसका प्रोसीजर पता चलेगा। यहाँ हम देख रहे हैं सेम 10। सेम 10 में क्या, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस। सेम 10 भी एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए बहुत ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्टिंग या क्लासिफिकेशन और एनालिसिस, जो भी प्रोसीजर है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का, रिपोर्टिंग का, वो आपको क्या पता है कि सेम 10 से डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे, सेम 10 की डॉक्यूमेंट में आपको पूरा प्रोसीजर पता चलेगा। सेम 11 में क्या देख रहे हैं, इमरजेंसी प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स। इमरजेंसी प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी प्लानिंग हम एक बनाते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन होता है, लेकिन सेम 11 से आपको मिलेगा कि इमरजेंसी प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स का क्या प्रोसीजर है। वो सेम 11 आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इमरजेंसी प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स के बारे में। हर प्लांट, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो भी कंपनी होती है, उसका एक इमरजेंसी प्लानिंग होता है कि इमरजेंसी के दौरान हम क्या क्या रिस्पॉन्स लेंगे, क्या क्या हम प्रिकॉशन लेते हैं, तो उसके बारे में सभी कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करता है इमरजेंसी प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स। सेम 12 हेल्थ एंड इन्वायरमेंट हाइजीन। हेल्थ एंड इन्वायरमेंट हाइजीन के लिए क्या क्या प्रोसीजर है वो सेम 12 से आपको पता चलेगा। सेम 12 में पूरा हेल्थ एंड इन्वायरमेंट हाइजीन के बारे में पता है। सेम 13 इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड जो होता है वो सेम 13 को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि साबिक क्या क्या स्टैंडर्ड। सेम 14 सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के बारे में क्या फॉलो करना है अंदर में, क्या फॉलो नहीं करना, सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड क्या, अंदर में क्या चीज़ अलाउ है प्लांट में नहीं है, वो सब सेम 14 सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से आपको पता चलेगा। सेम 15 में रोड ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी। प्लांट के अंदर में रोड ट्रांसपोर्टेशन का एक अलग ही सेफ्टी होता है, तो उसके लिए सेम 15 से पता चलेगा कि प्लांट के अंदर गाड़ी का क्या स्पीड है, पार्किंग क्या है, क्या लोगो वगैरह दिया होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, तो उसके लिए सेम 15 आप पढ़ेंगे तो रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के बारे में पता चलेगा। सेम 16 में प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप जो होता है उसका प्रोसीजर आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो ये जो भी है ना, यहाँ पे पूरा सेम का नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर है, और इसी प्रोसीजर पे पूरे साबिक में सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो होता है। और सेम जो 8 है, सेफ वर्क प्रैक्टिस, इसके अंदर में भी 10 डॉक्यूमेंट है, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ऐसे करके सेफ वर्क प्रैक्टिस के लिए, जॉब एक्टिविटी के लिए जो होता है, तभी हम 8.12 अभी हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या सेम का प्रोसीजर है और कितने नंबर में कौन सा डॉक्यूमेंट आता है। यहाँ हम देख रहे हैं सेम 08 सेफ वर्क प्रैक्टिस। सेफ वर्क प्रैक्टिस का आपको पता चल रहा है कि सेम 8 में सेफ वर्क प्रैक्टिस है। तो सेम 8.1 यहाँ हम देख रहे हैं, सेम 8.1 जनरल HSSE रूल। जनरल जो सेफ्टी का रूल होता है वो 8.1 से आपको जनरल सेफ्टी रूल पता चलेगा। सेम 8.2 लेबोरेटरी HSE रूल्स, उसमें क्या क्या रूल्स है लेबोरेटरी में, तो उसके बारे में सेम 8.2 डॉक्यूमेंट जब आप पढ़ेंगे तो उसका आपको पता चलेगा। सेम 8.3 मटेरियल हैंडलिंग स्टोरेज। सेम 8.3 डॉक्यूमेंट का जब आप रीड करेंगे, जब वो प्रोसीजर आप देखेंगे, तो मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज में क्या क्या प्रिकॉशन है, उसका रूल्स क्या है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। सेम 8.4 है रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। रोड के ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल को कैसे लेकर जाना है, लेकर आना है, कहाँ पर पार्किंग करना है, वो सेम 8.4 से आपको पता चलेगा। सेम 8.5 में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी यहाँ पे जॉब एक्टिविटी का आ गया, तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का क्या रूल्स रेगुलेशन है साबिक के अंदर, वो सेम डॉक्यूमेंट 8.5 देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सेम 8.6 में लिफ्टिंग इक्विपमेंट। लिफ्टिंग इक्विपमेंट को यूज करने का क्या प्रोसीजर है, उसको इंस्पेक्शन करने का क्या प्रोसीजर है, कोडिंग क्या होता है, तो सेम 8.6 आप देखेंगे तो लिफ्टिंग इक्विपमेंट के बारे में पता चलेगा।
सेम 8.7 में टूल्स हैंडलिंग, टूल्स का हैंडलिंग कैसे करते हैं, टूल्स को यूज कैसे करते हैं प्रॉपर, उसके बारे में सेम 8.7 में आपको पता चलेगा टूल्स के हैंडलिंग में। सेम 8.8 में PPEs पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में सेम 8.8 में पता चलेगा उसका स्टैंडर्ड क्या है। हर एक्टिविटी के अलग अलग PPEs आता है, उसका कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन से अप्रूवल है उसका जो साबिक में ऑथोराइज है यूज करने के लिए, तो वो सब भी आपको सेम 8.8 से पता चलेगा। सेम 8.9 में वर्क एट हाइट एक्टिविटी के प्रोसीजर के बारे में पता चलेगा। सेम 8.9 डॉक्यूमेंट आप जब रीड करेंगे, जब प्रोसीजर पता करेंगे, तो वर्क एट हाइट की एक्टिविटी के बारे में पूरा सेफ वर्क प्रैक्टिस आपको पता चलेगा। सेम 8.10 वर्क परमिट्स, वर्क परमिट्स का रेगुलेशन क्या है, वर्क परमिट कितने टाइप का होता है, वर्क परमिट कितने टाइप का होता है, क्या जॉब में कौन से परमिट का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रोसीजर परमिट का जो भी प्रोसीजर है, कौन अप्रूवल देता है, कौन क्लोज करता है, कौन ओपन करता है, वो पूरा प्रोसीजर सेम 8.10 में वर्क परमिट का जो भी प्रोसीजर है यूज करने का, वो आपको पता चलेगा सेम 8.10 डॉक्यूमेंट जब आप पढ़ेंगे। सेम 8.11 कंट्रोल आइसोलेशन ऑफ हजार्स एनर्जी इंक्लूडिंग लोटो, कंट्रोल आइसोलेशन जो भी होता है लोटो, लॉकआउट और टैग आउट, वो 8.11 सेम के प्रोसीजर में आपको लोटो का पूरा प्रोसीजर पता चलेगा, कौन सी कलर किस जॉब के लिए, लॉक का जो कलर होता है, टैग होता है, कौन टैग लगाता है, कौन रिमूव करता है, वो जितना भी प्रोसीजर लोटो का होता है वो पूरा सेम 8.11 के प्रोसीजर से आपको पता चलेगा। तो ये जितना भी प्रोसीजर हम बताए हैं ये साबिक के अंदर काम करता है और सेम पे ही पूरा साबिक काम करता है। तो ये डॉक्यूमेंट का नंबर कम से कम आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में इसमें से कोई भी नंबर आपसे पूछ सकता है कि 8.4 में कौन सा डॉक्यूमेंट आता है, कौन सा सेफ्टी आता है, 8.6 में क्या है, 8.7 में क्या है, 8.8 में क्या है, कहीं से भी वो एक दो पॉइंट पूछ सकता है इंटरव्यूअर। तो ये एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको पता होना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि और भी सेफ्टी का अच्छा अच्छा डॉक्यूमेंट वीडियो हम आपको देते रहें।